पानी देखना चालू है, सुबह सुबह भरा जा रहा है। टंकी टंकी ऊपर है और यहाँ अभी अंगीठी नहीं जली है दोस्तों, क्योंकि सुबह का वक्त है और आज जुमा है दोस्तों। तो जुमा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, अस्सलामु अलैकुम। जो है अभी सुबह तो नमाज़ हुई है फजर की, उसके बाद तिलावत कर रहे थे तो याद आया कि वीडियो कुछ नहीं बन रही है, आप लोगों को क्या दिखाएंगे, जुमा है, कुछ अच्छी प्यारी बातें हो जाएं। और आज सुबह की शुरुआत नमाज तिलावत कुरान से, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। और हम पढ़ ही रहे थे तो हमें याद आया कि उनका वीडियो बना लें आप लोगों से। तो यह देखें तिलावत हो रही है, ठंडा है ना, ठंडा की वजह से सब उंगली सूज गई है दोस्तों। देखें बहुत ठंडा था तो सारी उंगली सूजी हुई है, दर्द है। तो नमाज पढ़कर आ गए थे, तिलावत हो रही थी, ठंडक की वजह से यही कैलेंडर लगा है। और हमारा भी पंजूरा देखने रखा हुआ था तो हमको याद आया कि आप लोगों को क्या दिखाएंगे, लाएं कुछ बना लें वीडियो। तो चलिए आप लोगों को मौसम दिखा दें आज का क्या हाल है। मौसम यहाँ का कोहरा है, देखें हल्का है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी है, दूर से देखें कहीं दिख रहा है धुंध ऐसा गली में वो। तो बहरहाल जो भी अल्लाह का शुक्र है, हवा बहुत ठंडी है। तो दोस्तों आज 26 जनवरी है, आज जो है झंडा फहराया जाएगा लाल किले में, हम लोगों का झंडा ये है, तिलावत कर लें। और तिलावत करने के बाद हम लोग भी झंडा फहराएंगे 26 जनवरी का अपने देश के लिए, बम हो जाए। तो तिलावत रोक दिए हैं, हाँ बोले ना, तिलावत रोक दिए हैं। कुरान में जो सजदा आता है दोस्तों, देखें सजदा कर रहे हैं रोक के बीच में। हम तो इकट्ठा ही कर लेते हैं क्योंकि बड़ी दर्द होती है पैर वैर में ना, तो इसलिए इकट्ठा ही सजदा कर लेते हैं, क्या करें मजबूरी है। झंडा हम लोग फहरा लें अपने घर में, देश का झंडा झंडा ले आइए तो फहराया जाए। हैं आज जुमे मुबारक है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दिन अल्लाह ताला के नज़दीक ईदैन के दिन से भी ज़्यादा कीमती दिन है और अच्छा दिन है। इसलिए भाई जुमे मुबारक की सुबह से तैयारी शुरू करें आप लोग और नमाज जुमा की वक्त से पहले मस्जिद में पहुँचें और इबादत करें, दुरूद पाक पढ़ें, इस्तग़फ़ार करें और अपने लिए और सारी उम्मत के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ मफ़रत करें और रहमत के लिए अल्लाह से मफ़रत मांगें और रहमत मांगें। सारी दुनिया की दौलत एक तरफ है और नमाज कुरान दुआ तस्बीह ये दौलत एक तरफ है, दुनिया की दुनिया ही में रह जाएगी और जो पढ़ लिख कर लेके जाएंगे हम लोग तो यही मेन काम आएगी। दोस्तों ये नबी नुस्खा है, 27 या 25 मरतबा पढ़ लिया करें। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वलिल मुमिनीना वल मुमिनाती वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। तर्जुमा, ए अल्लाह मेरी और तमाम मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के और तमाम मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों की मग़फ़रत फरमा। हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स दिन में 27 या 25 मरतबा पढ़ ले तमाम मोमिन मर्दों और तमाम मोमिन औरतों के लिए मग़फ़रत की दुआ मांगेगा, वो अल्लाह ताला के नज़दीक जिनकी दुआएं में अल्लाह के यहाँ मकबूल होती हैं लोगों में शामिल हो जाएगा, जिनकी दुआओं से ज़मीन वालों को रिस्क दिया जाता है, आसमान के दरवाज़े खुलवाने का नबी नुस्खा ये है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से सबसे पहले निकलने वाला कलाम ये है। जाएगा 2 दिन में 50% का हो जाएगा। बाबर का देख रहे हैं, बाबर देख रहे हैं। आई लव यू, आई लव यू। हाँ आएगा भी। चलो रोटी हो गई इधर, इतनी फ्राई भी तैयार है तो हो गया है ना।
धनिया काट जाए बस। बाबा इधर देखें, कपड़ा धुला जा रहा है। रात में बड़ा गर्म पानी आ जाता है, सब धुल जाएगा आराम से। सूख गया ता लग रहा है इसमें। हो गया। तो यहाँ दोस्तों देखें, हमारी फ्राई हो रही है, जो है कुछ फ्राई करके अलग रख लिया है, रख लिया गया है। हम नहीं कर रहे हैं, वीडियो बना रहे थे, तो बहू जो है फ्राई कर रही हैं। और हमारी फ्राई लगभग हो गई है, यहाँ से वहीं हम निकाल रहे थे, तो तैयारी हो रही है खाने की। तो यहाँ दोस्तों सेवई हमारी निकल गई है, अभी पहुँच नहीं पाई है। खाना सब जा रहा है और फ्राई लेके गए हुए हैं गर्मा गर्म, ताकि ठंडी ना होने पाए। ठंडक के दिनों में ये सब का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि खाना ठंडा ना हो जाए। और अभी कंप्लेन आने लगेगी कि खाना ठंडा है, तो इसलिए सारे खाने गर्मा गर्म हैं। बहुत डतुली दिखा के हसी हसी हो रही, बहुत शरारत, बहुत माए ले, बहुत शरारत। अच्छा भाग गए। क्या आया कालो? होले बाबर के लिए क्या आया भाई? ये कहा आ गया? खा लो इसको, खा लो बाबर, ये नहीं खाओगे? लो ये खा लो। हाँ केक लाए हैं, केक खा लो बाबर। बाबर खेल रहे हैं दोस्तों। वीडियो यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।